तो हो जाइए तैयार, एशिया कप 2023 का बिगुल बज चुका है। पाकिस्तान अपना पहला मुकाबला खेल रहा है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम का पहला ही मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ है, जो श्रीलंका में खेला जाएगा। वैसे देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के इस मुकाबले में कांटे की टक्कर है, जहां पाकिस्तान के पास तेज गेंदबाजी लाइनअप बहुत ही तगड़ी है, भारत की बल्लेबाजी उससे भी तगड़ी है। लेकिन पाकिस्तान फिलहाल ओडीआई फॉर्मेट में नंबर वन टीम है, उनके पास नंबर वन गेंदबाज भी है और नंबर वन बल्लेबाज बाबर आजम भी है। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारतीय क्रिकेट टीम ना चाहकर भी बिल्कुल हल्के में तो नहीं ले सकती है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, पाकिस्तान एक अच्छी कॉम्पिटेटिव टीम लग रही है। लेकिन पाकिस्तान के 4 से 5 ऐसे खिलाड़ी जिन्हें भारत को सावधान रहने की जरूरत है, उन खिलाड़ियों को चाहकर भी कप्तान रोहित शर्मा विराट कोहली हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो आखिर कौन से है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी जिन पर टीम इंडिया की निगाहें रहेगी, जिन्हें अगर टीम इंडिया ने टारगेट कर लिया तो मुकाबला पाकिस्तान की हार तय कर देगा, लेकिन अगर इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये बड़ा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है टीम इंडिया को। चलिए जानते हैं पाकिस्तान के उन 5 से खिलाड़ियों के बारे में ऐसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, इस मुकाबले में आपको क्या लगता है सर्वाधिक रन कौन बनाएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी जानते हैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में। तो जी हाँ, एशिया का किंग कौन, इसे लेकर जोरदार मुकाबला छिड़ने वाला है। टूर्नामेंट के 6 टीमों के बीच 13 मुकाबले होंगे, लेकिन हल्ला तब मचेगा, रोमांच का उछाल तब लेगा, जब भारत और पाकिस्तान की टीमें श्रीलंकाई सरजमी पर आमने सामने होंगी। कैंडी में इन दो चिर प्रतिद्वंद्वों के बीच कोहराम की तारीख 2 सितंबर है। इस महामुकाबले में जीतेगा कौन, उसका फैसला भारत की बल्लेबाजी और पाकिस्तान की गेंदबाजी के छोर पर टिका है। वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी इसी ताकत के लिए दोनों टीमें मशहूर है। भारत के पास रोहित, विराट, गिल जैसे बड़े नाम है, तो पाक की गेंदबाजी लाइनअप में शाहीन, हारिस और नसीम का तेज है। अब सवाल है कि किसका पलड़ा भारी है। पहले तो ये जान लीजिए कि एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। यह ऐसा फॉर्मेट है जिसे भारत पाक के खिलाड़ियों के द्वारा एक दूसरे के भिड़ने का ज्यादा अनुभव भी नहीं है। जितने भी इन दोनों टीमों के बीच में टक्कर देखने को मिली है, उसमें यही देखने को मिला है कि भारतीय बल्लेबाजों का पाकिस्तान पर दबदबा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को किसी भी एंगल से हल्के में नहीं लिया जा सकता है। फिलहाल पाकिस्तान वनडे फॉर्मेट की नंबर वन टीम है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास कुछ अच्छे बल्लेबाज भी है। तो चलिए जानते हैं कौन से वो 5 खिलाड़ी है जिनसे भारत को सावधान रहने की जरूरत है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम नो डाउट बाबर आजम का आता है। बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान हैं, वह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज हैं। पाकिस्तानी कप्तान के इर्द गिर्द टीम की बल्लेबाजी घूमती है। आज वनडे क्रिकेट में खेलने का हुनर ये खिलाड़ी बखूबी जानता है। पारी को बनाना, सवारना, साथ लेकर चलने का हुनर इस खिलाड़ी को बखूबी आता है। इसीलिए आप कह सकते हैं पाकिस्तान के बाबर आजम फिलहाल भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर आपने इस खिलाड़ी को ढा लिया तो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और उस पे पाकिस्तान ध्वस्त भी हो सकता है। लेकिन अगर इसका बल्ला चला तो फिर ये टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसीलिए बाबर आजम, जो वनडे फॉर्मेट के फिलहाल दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज हैं, इस खिलाड़ी से टीम इंडिया को सावधान रहने की जरूरत है। इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर नाम शाहीन साफरीदी का आता है। पाकिस्तानी गेंदबाजी की जान, तेज रफ्तार, स्विंग के माहिर अफरीदी पारी की शुरुआत में ही दमदार पंच मारने में यकीन रखते हैं और अक्सर ऐसा करते भी है। नई गेंद से उनकी रफ्तार भरी स्विंग गेंदबाजी का सामना किसी भी बल्लेबाजी क्रम के लिए तो आसान नहीं होता है। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में अफरीदी ने भारतीय टॉप ऑर्डर के बैकफुट पर धकेल दिया था। भारतीय बल्लेबाजी क्रम वैसे भी बाएं हाथ की गेंदबाजी के खिलाफ हालिया वक्त में संघर्ष करता नजर आता है। ऐसे में अफरीदी की शुरुआती ओवर निकालना एक बड़ी चुनौती होगी। अफरीदी टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विलन साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर नई गेंद से इन्होंने 2-3 विकेट टीम इंडिया के चटका लिए तो फिर टीम इंडिया बैकफुट पर चली जाएगी और वहां से लक्ष्य का पीछा करना या बड़ा स्कोर बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा। बात करें अगर नंबर 3 की तो नाम हारिस राउफ का आता है। हारिस के पास रफ्तार है और सटीकता है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे का बैरियर वह लगातार पार करते हैं। पाकिस्तान टीम के इस मजबूत फास्ट बॉलर की खासियत यह है कि मैच में मौके पर आकर रुख बदलने का हुनर जानता है। पारी के आखिरी ओवर में वह लेंथ और स्पीड का ऐसा मेल करते हैं कि बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारतीय फैंस तो यही कहते हैं कि हारिस रौफ के लिए और पूरी पाकिस्तान के लिए भारत का विराट ही काफी है। हाँ, वो बात अलग है कि आप विराट की फैन हैं, लेकिन हारिस रौफ नो डाउट एक अच्छी गेंदबाज है और उन्हें विराट जैसा खिलाड़ी ही पीट सकता है और विराट एक ही है। ऐसे में टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ियों को हारिस रौफ से सावधान रहने की जरूरत होगी। हारिस रौफ टीम इंडिया के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं।
चलिए बात करते हैं इस नंबर पर चौथे पायदान की खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान की। रिजवान पाकिस्तान टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज है। हालांकि मोहम्मद हारिस के टीम के आ जाने के बाद पाकिस्तान टीम उन्हें सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर भी शामिल कर सकती है। पहले वो पारी की शुरुआत करते थे लेकिन अब वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। रिजवान में भी बाबर की तरह परिस्थितियों को हिसाब से खेलने का हुनर है। हालांकि वनडे में उनका औसत सिर्फ 34 का है और स्ट्राइक रेट 87 का, तो उन्हें इस पर काम करने की जरूरत तो जरूर है, लेकिन भारत के खिलाफ ये खिलाड़ी थोड़ा और अच्छा नजर आता है और ऐन मौके पर टीम इंडिया के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। जैसे आप T20 वर्ल्ड कप 2021 को ही उठाकर देख लीजिए, जहां टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था, उसमें मोहम्मद रिजवान का बड़ा हाथ था। और इस लिस्ट में आखिरी नाम अगर आप बल्लेबाजों की बात करते हैं तो उसमें फकर जमा का आता है। फकर ही वो खिलाड़ी थे जिनकी पारी ने भारत को 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन बनने से रोका था। हालांकि उन्हें 9 बॉल पर जीवनदान मिला था, लेकिन उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया था। कुछ लोग फकर को पाकिस्तानी बल्लेबाज की कमजोर कड़ी मानते हैं, लेकिन फकर जमान टॉप ऑर्डर में आक्रामकता के साथ खेल सकते हैं। इतना ही नहीं, वो बड़ी पारी खेलने में भी माहिर है। वो वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक भी जमा चुके हैं। तो ऐसे में फकर जमा टीम इंडिया के लिए बड़ा तुरुपका इक्का साबित हो सकते हैं। ये वो 5 खिलाड़ी पाकिस्तान के हैं जिन्हें फिलहाल टीम इंडिया को सावधान रहने की जरूरत है। इस बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं।